Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from Patna Shots. Hi guys, welcome back to the channel. मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ सोनम और आज हम लोग हैं वापस से गांधी मैदान में एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट कवर करने के लिए। आज हम लोग हैं बिहार फूड फेस्टिवल में और जैसा कि हमने अपने बिहारी फूड सीरीज में बोला था कि लिट्टी चोखा के आगे और भी बहुत टाइप के बिहारी फूड होते हैं, तो हम होप कर रहे हैं कि अंदर वो हमें दिखे, तो चलिए अंदर चलते हैं। और जो पहला स्टॉल है वो है बिहार की जो स्पेशलिटी है उसका, जो कि है तिलकुट। तो यहाँ पे तिलकुट मिल रहा है बहुत सारे वैरायटी का और बादाम की पट्टी भी है। और ये वाला जो स्टॉल है, ये जिसने लगाया है वो विमेंस कॉलेज की एक स्टूडेंट है, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के कि हमारा जो यूथ है वो बिहार के कल्चर को आगे लेके जा रहा है। ये जो स्टॉल है यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ है और यहाँ पे बिहार की स्पेशलिटी मिल रही है, जैसे कि चूड़ा घुगनी और पूरी सब्जी। और हमें जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वो ये थी कि यहाँ 5 रुपए की खिचड़ी मिल रही है, तो आइए चलिए देखते हैं 5 रुपए में खिचड़ी कैसी मिलती है। जनरली हर जगह ना बॉम्बे का भेल और बॉम्बे की बटाटा पूड़ी मिल रही होती है, यहाँ पे आपको पटना का मौर्य लोग का फेमस बटाटा पूड़ी और भेल पूड़ी मिल रही है। अभी हम लोग ओल्ड चंपारण मीट हाउस के स्टॉल के सामने खड़े हैं और चंपारण बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का मटन बहुत ही फेमस है, हम लोग ये अपने फूड सीरीज में जरूर कवर करेंगे। खैर, यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो है अहुना मटन, तो इनके पास अहुना मटन और चिकन अहुना दोनों मिल रहा है। और अहुना जो है वो बेतिया में मिट्टी के जो हांडी होती है ना उसको बोलते हैं, तो आप उसको लिट्टी के साथ यहाँ पे खा सकते हैं। अभी हम लोग ना इरफीज के स्टॉल के सामने खड़े हैं और अगर आपको याद होगा सरस मेला में हमने आपको बायोडिग्रेडेबल यूटेंसिल्स दिखाए थे, तो हमें यहाँ वो मिला। और हम लोग जो खा रहे हैं वो है चॉकलेट पीनट ओट्स बॉल, जो कि अलग है, टेस्टी भी है, आप आगे ट्राई ज़रूर करिएगा। बिहार में भी खुल्लम खुल्ला मिल रही है बियर, पर है वो नॉन अल्कोहलिक। यहाँ पटना में बहुत ही ट्रेंडिंग है, हमने बडवाइजर का नॉन अल्कोहलिक बियर लिया है और हमें सुनने में आया है कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही बियर की तरह है, तो चलिए पीकर देखते हैं और आप बताते हैं। एंड इसका टेस्ट बिल्कुल ही बियर की तरह है, तो आप लोगों को अगर बियर की कमी महसूस हो रही है और अल्कोहल तो पी नहीं सकते तो ये ज़रूर ट्राई करें। पटना में जो डीके लिट्टी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और बिहार फूड फेस्टिवल हो और डीके लिट्टी का स्टॉल नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है और काफ़ी सारा आइटम है, सिर्फ लिट्टी ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि क्या क्या मिल रहा है। Thank you.
had a really nice time at Bihar Food Festival. यहाँ हमने बिहारी क्विजीन के अलावा और बहुत सारे आइटम्स को ट्राई किया. तो अगर आप पटना में हैं तो और क्रिसमस बाहर मनाना चाहते हैं डिफरेंट टाइप के फूड खाकर तो यहाँ पे जरूर आइए. 26 तारीख तक गांधी मैदान में लगा हुआ है. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. बाय.